हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द एवरीवन। एंड टुडे इज डेट इज 4th ऑफ सितंबर, यानी कि आपका राउंड वन का रिजल्ट आए हुए आज तीसरा दिन हो रहा है। और आज क्या कुछ अपडेट्स बन रही है वो मैं पूरा दिन आज सुपर संडे में धमाल करने वाला हूँ, यानी कि आपको बहुत ही सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स टूल। यानी कि कितना डिफरेंस आया है, क्या कुछ डिफरेंस रहा था आपके मॉक राउंड और राउंड वन में, तो ये सारी PDF आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला था इस साल के मॉक राउंड वर्सेस राउंड वन में। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया था, तब जब राउंड वन का रिजल्ट नहीं आया था ना, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कितना डिफरेंस आ सकता है राउंड वन और मॉक राउंड के बीच में। वो वीडियो को काफी सारा प्यार मिला, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ना क्यों अब एक प्रूफ बना दूं कि देखिए, मैंने जिस तरह से आपको बोला था, मैंने जिस तरह से आपको कहा था, अगर आपने उस तरह से फॉलो किया है तो उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ये ध्यान से देखना कि ये जो PDF है, ये PDF होने वाली है मॉक राउंड रिजल्ट एनालिसिस फर्स्ट ईयर डिग्री इंजीनियरिंग BE BTech एज ऑन 24th ऑफ अगस्त 2022, एंड दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट राउंड रिजल्ट एनालिसिस फर्स्ट ईयर डिग्री इंजीनियरिंग BE BTech एज ऑन 1st ऑफ सितंबर 2022। यानी कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला मॉक राउंड और राउंड वन के बीच में, लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ पे तीन तीन के कॉलेज में लेते, तो तीन तीन के कॉलेज में सबसे पहले तो आती है DAICT 116, 258, 343, 116, 265, 343। यानी कि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इसमें देखने को मिला कि DAICT में जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला गया, 60, पहले राउंड में 58 था और तो दूसरे राउंड में यहाँ पे चला गया 65 पे। उसके बाद PDPU, तो यहाँ पे भी है PDPU 8 से लेके 1279, तो यहाँ पे 8 से लेके 1265, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद फिर से तीनों में है DAICT, तो उसके बाद यहाँ पे मॉक राउंड में भी DAICT थी। उसके बाद है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग TFWS कंप्यूटर ब्रांच 24 से लेके 293, तो यहाँ पे ले आ गया 24 से लेके 292। यानी कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने, ये जो ऊपर की टॉप 10 कॉलेज निकली है ना, उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कॉलेज चेंज की थी। यानी कि जिस तरह से उसने मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग किया था, सेम उसने राउंड वन में भी चॉइस फिलिंग किया है, और सेम ही यहाँ पे आपको देखने को मिला है उसका रिजल्ट। LD के बाद कौन सी आती है, दैट इज BBM भगवान अरिहंत एंड DAICT, तो यहाँ पे देखें तो BBM भगवान अरिहंत, उसके बाद यहाँ पे बाजी मार गई है इंस्टीट्यूट ऑफ निर्माण टेक्नोलॉजी और DAICT को एक पॉइंट पीछे छोड़ दिया है। ये तो एज एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि मुझे तो अभी भी भगवान अरिहंत से भी ऊपर मुझे निर्माण यूनिवर्सिटी का मतलब प्लेस मुझे लग रहा था। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब ये पहला पॉइंट हुआ है कि जहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटेड हुआ है कि निर्माण यूनिवर्सिटी के ऊपर भगवान अरिहंत इंस्टीट्यूट है इस साल के राउंड वन के अंदर। तो देखिए निर्मा में क्या था 43 से लेके 180, तो यहाँ पे मॉक राउंड में क्या था 63 से लेके 176, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे मतलब मैंने कुछ काफी स्टूडेंट्स को राउंड मॉक राउंड के बाद काफी शॉकिंग रिजल्ट दिया था और काफी शॉकिंग न्यूज दी थी, तो इसकी मदद से मतलब कुछ डिफरेंस हो गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद है LD कॉलेज, हाँ अब देखते हैं MSU बड़ौदा का कंप्यूटर साइंस TFWS, तो यहाँ पे कहा गया MSU बड़ौदा कंप्यूटर साइंस TWS 87 से लेके 452, तो यहाँ पे कहा है 87 से लेके 294। बहुत ही कम हो चुका है MSU बड़ौदा का कट ऑफ राउंड वन में, यानी कि यहाँ पे था 294 और राउंड वन में चला गया 452, तो बहुत ऊपर आ चुका है हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद DAICT है, ये एक नई कॉलेज कौन सी देखने को मिली है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी 99 से लेके 3962, तो यहाँ पे कहा है बायोटेक्नोलॉजी में ये 96, ये तो पारुल है, यहाँ पे आया 99 से लेके 3743, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों के दोनों मतलब PDF कंपेयर कर सकते हो, PDF चेक कर सकते हो, और उसमें आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पेज नीचे चले जाते हो ताकि हम टीयर टू लेवल के कॉलेज में आ जाए, तो ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से यहाँ पे डिफरेंस आता है। सबसे ऊपर है दर्शन 352 से लेके 2365, तो यहाँ पे मुझे अब सर्च करना होगा दर्शन, हाँ दर्शन ऊपर आ गई है 352 से लेके 1879 तक, यानी कि दर्शन में भी काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर VVP की बात करें तो 434 था, तो यहाँ पे VVP की बात करें तो वेर इज VVP, जस्ट गिव मी अ वन मिनट, लेट मी सर्च इट, इट्स फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी LD, लेट मी फाइंड इट, VVP, ओके देर इज अ V डॉट P,
ओके यस वीवीपी 31300 से लेके 2419 और यहाँ पे कहा था वीवीपी 434 से लेके 2725। यानी कि मैंने जिस तरह से आपको बोला था ना कि आप पिछले साल की कंपेयर में कीजिए कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोक राउंड से, ऐसा ही सिनारियो आपको देखने को मिला है कि आप यहाँ पे मोक राउंड में जिस तरह का रैंकिंग था टीयर टू कॉलेज में, उसमें मान लीजिए कि एक्स डिजिट पे क्लोज हुआ था, तो राउंड वन में एक्स प्लस 50 या फिर एक्स प्लस 100 जितना कट ऑफ ऊपर चला गया है। और ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि जनरली ऊपर की टॉप 10 कॉलेज में बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिला है, बट टीयर टू और टीयर थ्री में डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फटाफट से मेरी फेवरेट कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं, एंड दैट इज द अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ वन मिनट, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी किस तरह से लिखा है वो मुझे ढूंढना होगा। यस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी 360 से लेके 1042। ओके, इसको मैंने किया कंट्रोल सी, इसको मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल वी। यहाँ पे है 360 से लेके 1034 और यहाँ पे कहा था 1042, बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिला है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे राजकोट की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी सबसे पहले सर्च करते हैं मारवाड़ी। ठीक है, ओके, मारवाड़ी में सबसे पहले यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक पे क्लोज हुआ था। अगर हम दूसरे की बात करें, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, बायो इन्फॉर्मेटिव यस मैकेनिकल एंड मारवाड़ी यूनिवर्सिटी आईसीटी। अच्छा, तो मारवाड़ी में कंप्यूटर में इतना ज़्यादा मतलब कंपटीशन नहीं रहता है, तो मारवाड़ी में कम मतलब आप कट ऑफ देख सकते हो। तो एट दी एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था और जिस तरह से मैंने सोचा था कि किस तरह से यहाँ पे कट ऑफ का राउंड वन और मोक राउंड में डिफरेंस होगा, उसी तरह से आप देख सकते हो, ये प्रूफ भी आपके सामने ही है। बट अब हमें इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अब हमें फोकस करना है इसी तरह का एनालिसिस का राउंड टू का। इसीलिए मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम आपको लिया है इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप राउंड टू के लिए एंश्योर हो जाए कि क्या जिस तरह से ट्रेंडिंग रहा है मोक राउंड और राउंड वन के बीच में, उसी तरह का ट्रेंडिंग रहने वाला है राउंड और राउंड वन और राउंड टू के लिए। तो ये प्रूफ मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे मैंने आपकी ये 6-7 मिनट ली है, इसीलिए मैं यहाँ पे राउंड टू में आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और किस तरह से आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। तो इसीलिए राउंड टू की पीडीएफ भी आपके लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि जितनी राउंड वन की पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे 34 पेजेस की राउंड वन की पीडीएफ है, एज वेल एज 95 पेजेस की मोक राउंड की पीडीएफ है। यानी कि यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी डिटेल आप यहाँ पे नीचे स्क्रोल डाउन करके चेक कर सकते हो। लेट मी एंटर ऑन द पेज नंबर 70। तो यहाँ पे लास्ट तक कहाँ पे लास्ट तक भी देखिए 2700 ही है। राइट नाउ आई एम ऑन द 71 पेज ऑलराइट, and let me jump to the 80 number pages and let's see if what's the last one, and that is the 94. Okay, and let's go to the 94. Yes, 24,000, 24,000, etc., etc. All right, so thank you very much.